यूएस एलएलसी आपको कब रिक्वायर्ड होती है? तो बड़ी सारी क्वेरीज आ रही है कि यूएस एलएलसी हमें क्यों बनानी होती है। तो देखिए, यूएस एलएलसी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। आप यूएस में एक बिजनेस रजिस्टर कर रहे हैं, ये आपको तब रिक्वायर्ड होती है। नॉर्मली जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं चाइना से यूएस में, तो यूएस के बायर्स को अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट सेल करते हैं या किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं, तो वहां पे आपको एलएलसी प्रेफर करनी चाहिए एज कम्पेयर टू इंडिया बिजनेस के, क्योंकि इंडिया में आपको बहुत सारे कंप्लायंस है जो फुलफिल करने पड़ेंगे। इस वजह से आप एलएलसी बनाएंगे यूएस में तो आपको वो ज्यादा इजी पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है, बहुत लोग चाइना से डायरेक्ट अमेजोन यूएस एफबीए में प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, तो उस केस में भी आपको यूएस एलएलसी ही प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि कंप्लायंस के बहुत सारे इश्यूज आएंगे। आप इंडिया से पेमेंट चाइना भेजते हैं, अगर इंडियन बिजनेस से आप कर रहे हैं तो इंडिया से पेमेंट चाइना भेजेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, देन वो प्रोडक्ट यूएस के वेयर हाउस में जाएगा अमेजोन के, देन वहां से सेल होगा, देन वो पेमेंट अमेजोन इंडिया भेजेगा, तो यहाँ पे कंप्लायंस के इशू आने वाले हैं। तो इससे बेटर है एक आप यूएस एलएलसी बनाइए, उससे अमेजोन अकाउंट बनाइए और चाइना से प्रोडक्ट जो है वो वेयर हाउस में भेजिए, या दूसरा आप अपनी वेबसाइट से अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उस केस में भी आप उस एलएलसी से अपनी चाइना की परचेसिंग करिए, प्रोडक्ट्स लेके आइए और डायरेक्टली बायर को जो है वो डिलीवर करिए अपनी वेबसाइट के थ्रू।